ग्राम सोनादर में हुई हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार। पवई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 घंटे में ही हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते 25 मार्च की शाम को पवई थाना के ग्राम सोनादर में ग्राम के सिपाही लाल आदिवासी ने पुरानी रंजिश के चलते प्रकाश आदिवासी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर फरार हो जाने का मामला सामने आया था, जिस पर पवई पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर हत्या के फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पन्ना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं SDO सौरभ रत्नागर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर ग्राम के पास एक खेत से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में अविदेश दुबे, गणेश सिंह, प्रेम नारायण, जितेंद्र गोयल, सुनील राहुल अहरवार, सैनिक पूरन सिंह, सैनिक राजेंद्र बागरी, मणिराज बागरी व पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। 25/3/2024 को होली के दिन हमें एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सोनादर थाना पवई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तत्काल ही जैसे ही घटना की सूचना थाना प्रभारी को मिली, वो तत्काल मौके पर रवाना हुए और इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशित किया। तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा थाना प्रभारी पवई एवं सब इंस्पेक्टर अवधेश दुबे के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम के द्वारा जो है आरोपी की तलाश जो है मौके से तुरंत ही की जा रही थी और लगातार इसमें थाना पवई की टीम काम कर रही थी और 48 घंटे के भीतर ही हमने आरोपी को जो है गांव के पास, वहाँ उसका खेत था जहाँ वह छुपने का प्रयास कर रहा था और बार बार जो है वहाँ से जंगल की ओर भाग जा रहा था, टीम द्वारा जो है रात भर उसकी रेकी की गई और फिर जो है अर्ली मॉर्निंग टीम ने उसे घेर कर गिरफ्तार किया।